हाँ भाई हमारा रोडीज नाइन विनर का है। ये देख भाई इतनी खुश हो जाती है बीच पे आके तो देख 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 उल्टी गाड़ी की कति उल्टी है आराम तो चाल ना पड़ जाएगी। ये भाई देखो बीच है अपना। अरे आजकल बारिश की वजह से पूरा तहस नहस हो गया अपना। अच्छा लग रहा है घूमियो। अच्छा लग रहा बीच। क्या है आज? आज सूर्य ग्रहण। आज हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का वो है तो हमारी धर्म पत्नी जो है वो डेली वैसे तो पूरे घर में ऐसे ही धूप का वो करती है ताकि हमारा घर जो है वो शुद्ध रहे और लोगों की बुरी नज़र से बचा रहे। ये देखो तो पूरे घर में धूप करते हैं वो। ओ मैं तो घर के कपड़ों में ही हूँ अभी है ना। ये रूम मध्य का फैला हुआ है। कोई बात नहीं तो वार्डरोब वाला रूम तो सबका ऐसा ही होता है जिसमें उनके कपड़े होते हैं। ये देखो सब ऐसे बिखरा हुआ है और मैं तो शॉर्ट्स में ही घूम रहा हूँ। तो इसकी क्या मान्यता है आज सूर्य ग्रहण मतलब किन लोगों के लिए अच्छा है किन लोगों के लिए बुरा है? मैं पंडित तो हूँ ना। पंडित नहीं हो बट फिर भी कुछ तो जानकारी होगी ना आपकी हिंदू धर्म में। हाँ बस इतना पता है सूर्य ग्रहण है। ये हमारा मंदिर है छोटा सा यहाँ पर हमारी धर्म पत्नी जो है वो पूजा करती हैं और ये देखिए हस्ती है हस्ती नजर आती है। ये शिव पार्वती गणेश जी लक्ष्मी जी गणेश जी लक्ष्मी जी ये वाहेगुरु और ये हमारे घर की लक्ष्मी। हाँ हो गया और क्या चले फिर अभी कैफे। तो चलिए ये उन्होंने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया है हालांकि वो रोज करती हैं बट आज क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो इस वजह से ज्यादा उन्होंने। अच्छा मुझे पता है गोलू फिर से डर गई। हो गए तैयार? हाँ। तो चलो फिर फोटो सेशन हो गया तुम्हारा? हाँ। अच्छा जी अच्छी नहीं आ रही। क्यों अच्छी नहीं आ रही? कहाँ पे नहीं अच्छी तो आ रही है। मास्क पहन पहन के बोर हो गया तो मैंने सोचा अपना ये वाले यूज करता हूँ अभी लुक भी अच्छी आएगी और वो भी है बेबी सेम सेम आवारा से लग रहे हो। कोई आवारा नहीं लग रहा अच्छे लग रहे ये इसमें अच्छा लगता है ऐसे ही अच्छा लोग वो पब्लिक बताएगी अच्छा लग रहा नहीं लग रहा हूँ। क्यों आ जाओ ना एक बार ब्लॉग में तो आओ। हाय हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो बोल दे। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। खिड़की खुली जरा जरा पर्दा सर गया। देखो सारी खिड़कियां खुली थी पर्दे लगा दिए और कैसे? हाँ तो मैंने सिर्फ पर्दे लगाए थे। कपड़े जूते देखो मैडम के और मेरे दोनों ऐसे ही बिखरे हुए हैं। ये बेड पे भी मैं कह रही थी जब ये सपोर्टर इधर लगवा रहे थे दोनों में तो उसमें अपने वाले रूम में भी लगवा लेना। वो दो ही थे मेरे पास। अच्छा ठीक है चलो चलें। मैं तो आई हुई हूँ भैया तुम्हारे मेकअप खत्म हो जाए तभी तो। लाइट्स ऑफ कर दो। चलो लिफ्ट आने तक इंतजार करेंगे बोलो जब तक आएगी क्यों नहीं आएगी। बाहर देखो कमरे सब वो हो गए खराब चेंज कराने पड़ेंगे ये सारे के सारे। यस ये देखो नीचे से। ओ भाई लिफ्ट आए। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। हम तो कॉफी पियेंगे तुम पियो चाय गिलास भर भर के। हो गया
किसके ऊपर ताना था ये? तुम्हारे ऊपर। आए बड़े, बचपन में अपनी चाचियों को देखता था भर भर के गिलास पीते हुए। हारे मेरे तो शर्मा भर तो होगी, चाय पिया दो। और चाय भी कैसी, दूध में पत्ती गेरी है, पानी मत गेरी है। मेरी दादी का आदत, आदि भैंसों का दूध तो चाय में चला जाता था। अच्छा और बता के नहीं, चुरा के खोपचे से निकाल के पीती थी। अरे मैं दूध वूध, आई हेट दूध, मेरे को उल्टी हो जाती है। तो भाई बस एक चाय पी सकती हूँ मैं, उसके सिवा कुछ नहीं। चाय भी बिना दूध की पीती है, मतलब उसमें दूध कम होती है ना, लेकिन मानी ज्यादा दूध कम होता है ना मेरी चाय में। ये अपनी कार है। हाँ चलो बाय, ये अपनी कार है। ब्लॉग नहीं, ब्लॉग में अगर गाना आता है तो फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको। मैंने बताया था मैं कल भी, तो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा लग रहा दोनों के दोनों किडनैप करने जा रहे हैं किसी को, है ना? मैं तो नहीं लग रही, मैं चलो किडनैपिंग करते हैं मिलके। आप ही लग रहे होंगे। हाँ सब हम ही लग रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ जाके ससुराड़ियों से पूछ मेरी, कैसा लगता हूँ मैं उनको, अच्छा लगता हूँ बुरा लगता हूँ। जाके मेरी ससुराल, तेरे तो फैन है वहाँ पे सारे, तेरे तो नरेला के अंदर सारी औरतें फैन हो रखी हैं। आए छोरी, आए कांता, बिक्की की बहू नहीं आई, निकाल दे। हाय मुझे सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। हाँ तो ये थोड़े कि 24 घंटे मुंह के अंदर ही फंसा के रखना है। हाँ। वैसे लगा लेना, सांस ना आए तो हटा दो, फिर उसके बाद फिर लगा लो। अंकल दिखे कोई, बारिश का मौसम फिर से हो गया, इतनी पतली हो जाऊं मैं बस। बेटी इसके अंदर हार्ड और मांस को छोड़ के सब कुछ है। दो आंखें भी हैं, दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इतनी पतली हो जाऊं, जितनी है उतनी बहुत है। नहीं मुझे मेरे को कम से कम 10 किलो वेट कम करना है। 10 किलो वेट कम करना है। मैंने तेरी फोटो देखी थी बचपन की, तेरी बहन ने भेजी थी। हाँ। उससे भी तेरा अभी कम से कम 20 किलो वेट कम होगा। बचपन में तो कम से कम मुझे लगता है 70 के ऊपर होगी। तेरी शेप ऐसी थी, गोल मुंह की भी और पूरे शरीर की भी, मतलब ऐसी का थी गोल। बचपन से अब तक तूने सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पकोड़े खा के गुजारा है। ये गुड़िया वालों के काम होंगे पक्का, ये वही करती है मोटी ये काम। अरे यार यहाँ से भी बंद है, गुड़िया छोटी यही लोग करते हैं, फोटो भेज दो ये कर दो। आज क्या है यार, हर जगह से इन्होंने बंद किया हुआ है। क्या बताऊँ, इधर से ले लो, रॉन्ग वे से। अरे कहीं का रॉन्ग वे ले लो, कुछ कहीं पर भी, मतलब कुछ भी खुदाई हो जाती है शुरू। सब इधर से जा रहे हैं, देखो देखो देखो, चलो चलो देखा, सब इधर से जा रहे हैं। पर आगे से रॉन्ग साइड से कोई आ गया तो फिर उसके बाद ट्रैफिक लग जाएगा इधर। नहीं लगेगा, हम जल्दी से चले जाएंगे, आगे ऑटो है ना, ये हमारे साथ चलेगा। पर इतना बोले भाई, हट जाता हूँ पाछे न। इतने से गाने के लिए नहीं करेंगे कभी कभी। बहुत ही सुहाना मौसम, कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा है। हाँ, बहुत प्यारा है। ठंडा हो जाता है ना मौसम बारिश के बाद। ये देखो, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए। बादल देखो कितने प्यारे हो गए हैं। मौसम प्यारा हो गया बहुत। चाय और पकोड़े, मैंगो और चाय पकोड़े भी खाने बहुत सारे। 20 दिन यहाँ पर फोन मेलवाल नहीं थी ना, तो मैंने 20 दिन तक चाय नहीं पी, और जिस दिन से आई है ना उस दिन से दिन में 2 बार चाय पिला देती है मुझे। मत पीना हर, जब भी कुछ बन गया, कुछ अच्छा से बना ले, चाय बना लू। मैं नहीं खेल रही, मैंने कहा कल, मैंने कहा बेबी बड़ा अच्छा वो हो रहा है, कुछ अच्छा सा बना के खिला दे, चाय बना लू। फिर शाम में कहा बेबी भूख सी लग रही है, चाय के साथ मटर दे दूं। मटर नहीं होती वो, नमक पारे होते हैं। नमक पारे हाँ जो भी है, मतलब चाय तो एक वो वाला हो गया ना, जो कहते ना कि हर कॉम्बो में चाय और ये और चाय और वो। चुप रहो, हाल भाई समझ गया तुम्हारी, चाय तुम बहुत अच्छी बनाते हो, पर फिर भी पीते क्यों भाई, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ कॉफी वॉफी दे दूंगी, मैं चाय पीऊंगी। फिर मेरे को ये मत कहना कि मुझको चाय क्यों नहीं दी। नहीं मैं, मेरा मैं तो रहती है तो मन होता ही है चाय का। क्यों मन होता है भाई, फिर ताने क्यों देते हो? मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, ताना थोड़ी दे रहा हूँ। तुम्हारा बोलना प्यार होता है, इसमें तुम्हें शर्माना चाहिए। क्यों शर्माऊं मैं, जब मैंने क्यों, मैं क्यों शर्माऊं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे। पानी के साथ
समंदर। हैं? हाँ वाह ये देख। अरे नीचे से खराब ना हो जाए इसलिए ऊपर किया है। है? अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है बीच पे आके? मैं पहली बार बीच पर आया हूँ पिछले 12 सालों में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया, अभी मेरा घर है ये, मैं यहीं पर पलातोरी पर बड़ा हुआ हूँ 12 साल से। वाओ उधर यही ऐसा है जैसे दिल्ली वालों के लिए इंडिया के। चुप रहो। तो ये तो मैंने कर लिया। खूबसूरत लग रहा है ये। ऐसे कपड़े पहन के आए हैं हम लोग, कैसे फॉर्मल खराब हो जाएंगे। वैसे कितना कचरा है यहाँ पे देखना, ये अंदर से बह गया। अच्छा एक दीवाना तेरा। कभी कभी मौका मिलता है मुझे तो आने का, नहीं तो काम से फुर्सत तो मिलती नहीं है, इसलिए कभी कभी आ जाते हैं। अभी सफाई हुई थी वैसे यहाँ पे बीच की, पर फिर से गंदगी आ गई क्योंकि बारिश से कचरा बाहर की तरफ फेंकता है वो, है ना। जानू जानू इधर आजा। बस ये देख लो फोटो शूट देख लो इसका मैडम का। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। शानदार लग रहा है ना देखना जरा। देखो जा रहे हैं मटकते हुए।